सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का करारा जवाब देने के लिए मोदी सरकार बड़े प्लान पर काम कर रही है। खबर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान जिस तरीके से बीएसएफ के जवानों को स्नाइपर शॉट के जरिए निशाना बनाने की कोशिश करता है, अब उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बीएसएफ पाकिस्तान के स्नाइपर्स को जवाब देने के लिए अपने कुछ कमांडोज को इसराइल के स्नाइपर से ट्रेनिंग दिलवाने की तैयारी कर रहा है। बीएसएफ सूत्रों की माने तो इसका एक प्रपोजल गृह मंत्रालय को भी भेजा गया है। गृह मंत्रालय की लिखित मंजूरी मिलने के बाद बीएसएफ की एक छोटी टीम सबसे पहले इसराइल जाएगी, जहां पर 6 से 11 जुलाई के बीच होने वाले स्नाइपिंग कंपटीशन और स्नाइपिंग सेमिनार में भाग लेगी। सूत्रों के मुताबिक सब कुछ बेहतर रहा तो आने वाले समय में बीएसएफ कमांडो की दूसरी टीम इसराइल जाकर खास तरीके की ट्रेनिंग लेगी। बता दें, पाकिस्तान स्नाइपिंग के जरिए बीएसएफ के जवानों को इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर निशाना बनाने की कोशिश करता रहता है। इसके लिए पाकिस्तान ने खास तौर पर ट्रेंड स्नाइपर्स को तैनात किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर 145 से ज्यादा स्नाइपर्स को तैनात किया है, लेकिन अब बीएसएफ के जवान खास तरीके की ट्रेनिंग इसराइल के उन स्नाइपर कमांडो से लेंगे जिनका निशाना अर्जुन की तरह सटीक हो।